हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 79 का लेक्चर यानी 79 लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड तथा कीटोन की प्रॉपर्टीज बेटा हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल संकरण अभिक्रिया। तो देखेंगे किसी डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में बेटा, किसी डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन का संघनन कराए तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी। कैसे बेटा? अल्फा हाइड्रोक्सी ना मिलकर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अंग्रेजी में लिख देते हैं बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, किसी डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब यहां पर भी बेटा क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। दिस रिएक्शन या दिस कंडेंसेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। यह संघनन अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। हिंदी में सुन लीजिए, किसी तनु क्षार की उपस्थिति में जब हम दो कार्बोनिल कंपाउंड वो एल्डिहाइड हो सकते हैं, वो कीटोन हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड हो सकता है, दूसरा कीटोन हो सकता है, ठीक है? तो आपस में जब हमें उन्हें कंडेंस कराएंगे तो बेटा क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। और ये संघनन अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बेटा रिएक्शन देखें और रिएक्शन होने के लिए कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स ब्रैकेट में एल्डिहाइड या कीटोन है ना, में कम से कम एक
कम से कम एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ये कंडीशन है। बिना अल्फा हाइड्रोजन के ये रिएक्शन नहीं होगी। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में, एक कार्बोनिल कंपाउंड में कम से कम अल्फा हाइड्रोजन बेटा होने ही चाहिए, यही कंडीशन है पहली। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, हो गया। अब रिएक्शन देख लेते हैं जरा। देखिए बेटा एग्जाम्पल है CCH3H2O, ठीक, प्लस CCH3H2O डाइल्यूट बेस, यानी कि डाइल्यूट NaOH ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिएक्शन हो जाएगी बेटा OH, यहां पर क्या है CH3 है, CH3 एक H और आ जाएगा, क्या और आ गया बेटा एक H और आ गया CH, यहां पर C, ये वाला C है, ये वाला CH2, यहां पर C, इसके पास से यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर है H, ठीक है। ये देखिए ये ग्रुप है, ये है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है बेटा, ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये कार्बन बीटा कार्बन, तो हम यहां पर बीटा कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहां है बीटा पोजीशन पर, फिर से कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। अब ये एल्डिहाइड या कीटोन है बेटा, एल्डिहाइड है, देखिए कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी ग्रुप से है, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसे हम कहते हैं एल्डोल, कॉमन नेम है इसका। ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन से रिएक्शन। अच्छा ये रिएक्शन है बेटा आपकी सेल्फ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बेटा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन दो प्रकार की होती है, ये तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, ये भी तो हो सकता था बेटा, ये भी तो हो सकता था CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, यहां CH3, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, कीटोन एल्डिहाइड प्रेजेंस वही है, डाइल्यूट बेस होगा क्या बेटा, होगा भी वही, सी ओ एच होगा ये वाला CH3 H, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3,
देखिए आप, हो गया ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल के ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, वहां बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, यहां पर ये एसीटेट है, ये एसीटोन, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग है, इसीलिए ये कहलाएगा बीटा क्रॉस्ड, क्रॉस्ड एल्डोन कंडेंसेशन। तो इस प्रकार बेटा हम ये देख सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दूसरी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूं थोड़ा सा, फिर देख लेंगे बेटा मैकेनिज्म। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दूसरी है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ का मतलब बेटा व्हेन सेम कार्बोनिल कंपाउंड गोज, व्हेन सेम कार्बोनिल कंपाउंड गो टू एल्डोल कंडेंसेशन, देन then it is called self aldol condensation। example हम आपको करवा चुके हैं। on the other hand when different कार्बोनिल कंपाउंड्स गो टू एल्डोल कंडेंसेशन, देन this condensation is called crossed aldol condensation। एग्जाम्पल आपको हम करवा चुके हैं, हो गया बेटा। ठीक है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, तो बाकी बेटा हम देखेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।